शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से माफ कर दो मुझे, प्लीज यार माफ कर दो ना। ठीक है, मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। हाँ बोलो, क्या करना है? मैंने सबके लिए खाना बनाया था, पर अब मुझे नहीं लगता कि ताही जी, वरुण जी या कीर्ति हमारे साथ खाना खाने के लिए आएंगे। और जहां तक बुआ जी मुझे बता रही थी, घर के जो हालात हैं, वो इस महीने का राशन भरना भी भूल गए। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भाई, भाई, क्या हुआ भाई? क्यों चिल्ला रहे? अब क्या सुनाना चाहता है? सुनाने का कोई शौक नहीं है मुझे, बस आगे झगड़ा ना हो इसलिए कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। बोलना। वो ये कल से तो अपनी गाड़ी वहां लगाएगा और मैं अपनी गाड़ी यहाँ लगाऊंगा, इसमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। क्या? ये गाड़ी हटाने से क्या हो जाएगा? तूने अब नई गाड़ी ली तो मेरी जगह लगाएगा क्या? मैं यहीं लगाता था, यहीं लगाऊंगा, तू वहां लगा। हाँ तो ठीक है। आगे भी इस घर के हर सदस्य में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बना रहे, इसकी जिम्मेदारी मैं अभय और श्रद्धा को देता हूं। ताऊ जी, आपने बहुत भरोसा करके इस परिवार को एक रखने की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारे परिवार में कभी दरार नहीं पड़ने दूंगी, चाहे कितने ही झगड़े, कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो जाएं। झगड़े इस घर में खत्म नहीं होंगे, कुछ तो करना होगा इस परिवार में दरार लाने के लिए। हाँ हम आपसे बाद में बात करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? कीर्ति, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। क्या मतलब है आपका? कीर्ति, घर का राशन खत्म हो गया है और तुझे खबर तक नहीं है इस बात की, और ना ही इस बारे में तूने मुझे बताना जरूरी समझा एक बार भी। शुक्र है दीदू ने हमारी फोन पे बात नहीं सुनी। अच्छा तो अब आप हमारे घर में जासूसी भी करने लगी हैं? हाँ क्यों, क्या बताना चाहती हैं आप सबको कि हमें ध्यान नहीं है? क्यों सबके सामने हमारा तमाशा बनाती रहती है हमेशा दीदू? ये क्या कह रही है तू? मुझे तुम सबकी चिंता है कीर्ति, और तुझे पता भी है घर में खाने तक को कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? कियारा अंदर सो रही है और आप दोनों यहाँ बाहर झगड़ा कर रहे हैं जोर जोर से। माँ आप ही ने कह दीजिए कि हमारे घर के मामले में ना ये ना घुसे, इनका खुद का घर है ना, तो अपना घर देखिए जाके, हम संभाल लेंगे। किस्मत वालों को श्रद्धा जैसी बहन मिलती है कीर्ति, काश यही बात मैं श्रद्धा को भी कह पाता। क्या कहना चाहते हो तुम? श्रद्धा यहाँ खाना देकर तुम्हारी गलती सुधारने आई थी, ना कि गिनाने।
पर गलती तुम्हारी भी है श्रद्धा, जो तुम इसके लिए सबके लिए इतना सोचती हो। चलो आखिर क्यों करती हूँ इनके लिए ये सब जब उनके मन में कोई इज्जत ही नहीं है? क्योंकि मैं उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती हूँ अभय। मैं जानती हूँ कि आज पूरे घर पे दुख के बादल मंडरा रहे हैं, पर मुझे उम्मीद है कि कल फिर से पूरे परिवार पे खुशियों की बारिश होगी। अरे वरुण, वरुण बेटा। क्या हुआ मम्मी? बेटा ये देखिए ना, ऐसे तो हम किचन में कुछ भी नहीं बना पाएंगे। मैंने प्लम्बर को बोला तो था, अभी तक आया नहीं, पता नहीं, मैं एक बार फोन कर लेता हूँ उसे। हाँ खराब हो गया। वरुण जी, वरुण जी, वो प्लम्बर आया लेके देखने। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, दो तीन दिन से बहुत पानी टपक रहा है, कुछ भी करके इसे ठीक कीजिए बस। सीढ़ी मिलेगा क्या? एक सेकेंड, ये लीजिए आराम से। क्या हुआ, कुछ समझ में आया कि? ऊपर क्या बाथरूम है क्या? हाँ, ये बाथरूम के पाइप में लीकेज हो रहा है, इसी वजह से पूरे किचन में सीलन आ गया है। बाथरूम तोड़ के पाइप ठीक करना पड़ेगा। आप लोग ऊपर वालों से बात कर लीजिए ना। अरे ताई जी आइए ना, हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ये सही तरीका है आपका धीरू, हम अपना खाना पीना चाय पानी सब यहाँ पे करें, ताकि जिंदगी भर ना आपके एहसान के नीचे ही रहे। कीर्ति क्या हो गया है तुझे, हर बात पे तेरा मूड इतना क्यों खराब रहता है? क्या है ना बेटा, आपके बाथरूम में से शायद कोई पाइप लीक कर रहा है और उसकी वजह से हमारी रसोई की छत पे सीलन आ गई और वहां से गंदा पानी रसोई में टपकता रहता है। तो प्लम्बर ने बोला है कि बाथरूम तोड़कर पाइपलाइन ठीक करवानी होगी। भाभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खर्च करते रहें और चीजें तोड़वाते और जुड़वाते रहें। अच्छा, तो अपने महंगे इलाज के लिए तो आप बहुत सारे पैसे खर्च कर रही हैं। कीर्ति ठीक है, पाइप मैं ठीक करवा दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मम्मी जी से ऐसे बदतमीजी से बात करें। अरे हमने कह दिया ना, हम खर्च नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। पर मम्मी जी, ताई जी तो बस यहाँ। अभय ने हमारा महंगा इलाज अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से की है, इनके पैसों से नहीं, और ये खर्चा हम अपनी मर्जी से करेंगे, इसीलिए पाइप का कोई काम हम नहीं करवाने वाले हैं, बस। तनुजा भाभी क्या बोल रही है आप? हाँ जिद के बिना हद होती है, अगर यही चीज आपके साथ हो रही होती तो। अब अगर लीकेज यहाँ है जिसकी वजह से नीचे रसोई में तकलीफ हो रही है, तो ठीक भी यहीं से करवाना होगा ना। ऋतु अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप ही क्यों नहीं काम करवा देती हैं? वैसे भी आप यहाँ कोई खर्च तो करती ही नहीं है। बस कीजिए भाभी, आप कभी भी किसी से भी उखड़ करना झगड़ना शुरू कर देती है। अच्छा और आप क्या करती है, हमेशा तो आप ही लड़ती। बस करो आप लोग, परेशान हो गई हूँ मैं, इस घर में ना रहना जैसे मुश्किल हो गया है, बिल्कुल दिल नहीं लगता अब मेरा। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ताऊ जी के जाने के बाद से ना आप सब लोगों ने ठान लिया है कि हर रोज किसी ना किसी बात पर बस झगड़ा ही करना है। वैसे भी हम खुद देखेंगे कि कैसे क्या करवाना है, किसी के कहने से नहीं करवाने वाले हम। हाँ माँ चलिए यहाँ से। अरे माना कि दिलीप भाई साहब ने तुम्हें पूरे घर की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पूरे घर में राज करती फिरोगी। मम्मी जी मैं तो बस
बस। अब हमें तुम्हारा कोई भी भाषण नहीं सुनना है। रहने दो ना श्रद्धा, तुम भी किसे समझा रही हो? समझाया उन्हें जाता है जिन्हें बात समझने की समझ तो हो, इनकी तरह नहीं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर जंग के तीर की तरह मारती फिरे। अच्छा, जैसे आप तो बहुत समझदार हैं नीतू, इसीलिए हमेशा अपनी टांग सब जगह अड़ाती रहती हैं। भाभी, ये घर हमारा भी आप ऐसे हमें सुनाती ना फिरिए। अच्छा, हम सुना रहे हैं और आप जो हमें इतना कुछ सुनाती हैं उसका क्या? बहुत हो गया भाभी, आप कब से हमें सुनाए जा रही है? अब क्या हो गया? कोई दिन भी ऐसा निकल सकता जब मैं घर आऊं और बहस ना हो रही हो किसी चीज पे। अब क्या किया कीर्ति और भाई ने जो सब परेशान है? वाह बेटा, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है और आते ही तुमने अपने भाई पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हारी ये जो माँ है ना, वो भी तमाशा करने में कम नहीं है। अच्छा, तो अब तमाशा हम कर रहे हैं। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? अभय, वो कीर्ति और ताई जी यहाँ पर आए थे, उनके रसोई में पानी टपक रहा है और वो लीकेज हमारे बाथरूम के पाइप से हो रही है, तो उसी बारे में बात करने आए थे वो। हाँ, तो फिर पूरी बात ये भी बता दो ना कि कैसे हमने मुंह पे ना कर दिया था और लगे हाथ हम चार बात भी सुना दिए थे उनको, वो भी बता दो। मम्मी, बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अगर हमारे घर में लीकेज हो रही है तो हम ही ठीक करवाएंगे ना, आपने मना क्यों किया? हम बाथरूम नहीं तोड़वाएंगे। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो मरम्मत करवाई है। मम्मी, आपको कुछ नहीं करना, मैं करवाऊंगा। अरे तुम दोनों ने ठान ली है क्या, हमारी बात नहीं मानोगे? अरे हमने ना कर दिया है तो उसकी इज्जत नहीं करोगे तुम लोग? मम्मी जी, आप बात समझ नहीं रही हैं। ऐसे पाइप का लीक होना हमारे लिए भी ठीक नहीं है। अगर ऐसे पानी टपकेगा तो फिर हमारे दीवार पे भी सीलन होगी, फर्श पे भी सीलन होगी और ये अच्छा नहीं है। हाँ, और दीवारों से सीलन बढ़ते बढ़ते छत तक पहुंच जाएगी। अब क्या पता किसी रात आप मीठी नींद में सो रही हो और छत आपके ऊपर ही गिर जाए। नहीं नहीं नहीं, अब लेकिन हम प्लम्बर से बात करके ही कोई फैसला लेंगे, ऐसे ही कुछ नहीं करवा देंगे। हाँ हाँ, मैं प्लम्बर को फोन कर लेती हूँ। जी, मैंने सब देख लिया है। हाँ तो बताइए ना, क्या दिक्कत है? सुनो, ये है 500 रुपए। अब तुम्हें बोलना है कि दिक्कत नीचे के पाइप में, समझे? ठीक है, ठीक है। अरे बोलो, अब सोच क्या रहे हो? अरे हम तो पहले से ही जानते हैं कि लीकेज नीचे हो रही है। नहीं आंटी, लीकेज आपके बाथरूम के पाइप से हो रहा है, टाइल्स तोड़ना पड़ेगा पाइप ठीक करने के लिए। समझ गए ना मैडम? टूटेगा तो ऊपर का बाथरूम ही, पर हमें पूरा यकीन है कि चाची जी कोशिश करेंगी कि कोई भी दिक्कत ना दिखे उनके बाथरूम में। अरे दिक्कत तुम्हारे दिमाग में है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमारे बाथरूम के पाइप में लीकेज है? तनुजा, ये प्लम्बर है, यही काम है उनका। अरे हम नहीं मानते। तो क्या चाहती है आप, कि आपके बाथरूम का गंदा पानी हमारे किचन में टपकता रहे? अरे हमने ऐसा कब बोला, हम बस ये कह रहे हैं कि इसके अलावा भी तो कोई उपाय होगा। अरे छत पे पन्नी वन्नी काहे नहीं लगा देते? चाची, इन छोटे मोटे जुगाड़ से पाइप की हालत और खराब हो जाएगी और छत पे बड़ी सीलन और बढ़ जाएगी। नहीं, हम अपने बाथरूम को तोड़वाने नहीं देंगे। अरे कोई और उपाय हो तो बोलिए। यार, मम्मी की जिद ना पागलपन बनती जा रही है। तुम कुछ भी करो, किसी भी बहाने से मम्मी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं सबसे बात करता हूँ। मैं उन्हें यहाँ से कैसे ले जाऊँ? अरे कुछ भी करो, बस लेकर जाओ, मैं और ये बहस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, आप रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ। भैया,
देखिए मम्मी जी पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है ना, आपने पाइप ठीक तरह से चेक नहीं किया होगा। आप एक काम कीजिए, आप दोबारा से सारे पाइप को एक बार चेक कर लीजिए और फिर बताइए कि क्या हो सकता है। आप जाइए, आप चेक कीजिए ना दोबारा से प्लीज। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। मम्मी जी हमें अभी बाजार के लिए निकलना चाहिए। देखिए कल ताऊ जी की तेरहवीं है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, ऐसे में हमें इस बहस में तो नहीं उलझ सकते, तो हमें चलना चाहिए अब। हाँ 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 चलो चलो चलो। आखिर तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी ना, इसीलिए तुम हमें बाजार ले गई थी ताकि हमारे पीठ पीछे अब है बाथरूम तोड़वा सके, है ना? मम्मी जी आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे हम काहे समझे, जब तुम्हें हमारी बात सुननी नहीं है तो हम काहे सुने तुम्हें। काम हो गया भैया। अरे एक तो हमारा काम बिगाड़ा, उसके ऊपर से 500 रुपए लेके बैठे हुए हो। चलो 500 निकालो हमारा अभी के अभी। भगवान का शुक्र है कि सिर्फ पैसे वापस लिए, वरना पता नहीं क्या करते हैं। अभय मम्मी जी तो बहुत गुस्से में लग रही है, हम क्या करेंगे? उनकी फिक्र मत करो तुम, मैं संभाल लूंगा उन्हें, मैं जानता हूँ मम्मी को कैसे मनाना है। अब बस कल ताऊ जी की तेरहवीं के दिन घर में कोई झगड़ा ना हो, पूजा शांति से हो जाए। होना हो शायद पापा को ही मुझ पे भरोसा नहीं था मम्मी, वरना वो ऐसा क्यों करते? मैं उनके लिए अच्छा बेटा साबित नहीं हो पाया ना मम्मी। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आप एक बहुत अच्छे बेटे हो, आपने हमेशा खुद से पहले परिवार को रखा है, इतनी मेहनत की है कि हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आपने एक अच्छे बेटे होने के सारे फर्ज निभाए। नहीं मम्मी कुछ तो कमी होगी मुझ में, जो पापा ने अभय को मुझसे ज्यादा अच्छा और जिम्मेदार बेटा माना। तभी तो शायद उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी अभय और श्रद्धा को दे दी। माँ अरुण जी हमें पता है कि घर में तनाव का माहौल चल रहा है, पर कल पापा जी की तेरहवीं है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। पता नहीं कल क्या होगा, अगर पापा की तेरहवीं में कोई भी तमाशा हुआ ना तो इस बार मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। बेटा कल की तेरहवीं की सब तैयारी होगी? जी पापा जी, मम्मी जी और मैंने बाजार से पूजा के लिए सारा सामान ले लिया है। किसी चीज की कमी होगी तो वो सुबह देख लेंगे। भैया हम 101 लोगों को खाना खिलाना चाहते और उन्हें शॉल भी दान में देना चाहते, दिलीप भैया के लिए ये करना चाहते। बुआ जी और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। भाई जी को भी अच्छा लगेगा, वो शायद सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच।
और हम जिन लोगों को खाना खिलाएंगे वो लोग भी ताऊ जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। दिलीप भाई साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, माता रानी उन्हें मुक्ति दे। ये मैं नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। आपके साथ है, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम नहीं रहे। पापे, जब से दिलीप भैया हमें छोड़ कर गए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अम्मा और बाबूजी का हाथ हमारे सर से हट गए। उन्होंने हमेशा हमारे लिए इतना कुछ किया और अब तुम्हारी मुस्कुराहट हमें आपके साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज खुद ही चल के देख लीजिए। भगवान, ये सब क्या है? किसने मंगाया ये सब? हमने तो 101 लोगों का सामान मंगवाया था, ये तो बहुत ज्यादा है। इतना सारा सामान कैसे आ गया? है? बिल कितने का आया है? 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख? कैसे? सामान 101 लोगों के हिसाब से नहीं, 1001 लोगों के हिसाब से आया। सोनिया, बुआ जी बुला रही हैं। तुम श्रद्धा, तुम्हें कीर्ति, अचानक से तुझे इतनी खांसी क्यों आ रही है? तू बैठ, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठ जा आराम से। कीर्ति, ये ले। सामान की लिस्ट? जी जी, ये लीजिए, इसमें सब कुछ लिख दिया है। पर ये जिम्मेदारी तो पूरी दीदू ने ले रखी थी। श्रद्धा, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो भाई? अरे जब तुमने लिस्ट दिया था तो तुमने हिसाब नहीं देखा क्या?
आंखें बंद कर ली थी तुमने अपनी। भैया थोड़ी जल्दी कर दीजिए, जाना है वापस। पता नहीं पापा जी ने क्या सोचकर इनको सारी जिम्मेदारी दे दी। हमें तो लगता है कि अब ये मन से चाहती है कि ये पूजा ना हो। कीर्ति, अपनी बहन के बारे में और कितना गलत सोचोगी तुम? चिल्लाना है ना तो अपनी बीवी पे चिल्लाओ। पूजा शुरू करने से पहले ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वाह कीर्ति, अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही थी दिलीप भाई साहब की तेरवी के लिए तो तुमने खुद जिम्मेदारी काहे नहीं उठाई। मौका मिलता ना चाची जी तो जरूर ले लेते। पर दीदी को वाहवाही जो लेनी थी अच्छी बहू बनने का। कम से कम आज के दिन तो आप लोग झगड़ा मत कीजिए। ये सब मेरी गलती है। पता नहीं 101 के बदले मैंने 1001 कैसे लिख दिया। पर हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो ताऊ जी के लिए कर रहे हैं ना, तो हम ये भी कर लेंगे। श्रद्धा, हम तुम्हारे साथ हैं। हम 101 लोगों को खाना खिलाना चाहते थे, पर दिलीप भैया ने हम सबके लिए जितना किया है उसके आगे ये 1001 कुछ भी नहीं है। शायद माता रानी यही चाहती थी कि हम भैया के लिए बढ़कर करें। अरे तो इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। बस अब जाइए, मैं आपके मालिक से बात करके कल पैसा पहुंचवा दूंगा। ठीक है, नमस्ते। अरे भावनाओं में बहकर हमारे जेब से कुछ ज्यादा पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं? अरे हमारे कोई खजाने नहीं गड़े हैं यहाँ पर। मम्मी, बुआ जी की इच्छा है तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा तुमने सोचा है कि बिल की भरपाई हम कैसे करेंगे? अरे 1001 लोगों को खाना खिलाना है, कंबल बंटवाने हैं, तुम क्या कंबल बांटते फिरोगे सबको? मम्मी जी, हम लोग सब मिलकर कर लेंगे। अच्छा मिलके सब कुछ कर लेंगे? अरे यही तो हम पूछ रहे हैं कि कैसे करेंगे। तुम्हारे मायके से पैसे आ रहे हैं जो आसानी से सब कुछ हो जाएगा। अनुजा जी, कैसी बातें कर रही हैं? अरे हमने सोचा था कि शांति से तेरवी की पूजा होगी यहाँ, लेकिन नहीं, यहाँ तो सबको दिखावा करना है भंडारे का। दिखावा? कम से कम आज के दिन तो पैसों का हिसाब किताब मत कीजिए भाभी। सब कोई करना चाहता है पापा जी के लिए, सिर्फ आप नहीं। आपको ना इन सब से ऊपर बस पैसा दिख रहा है चाची जी। तनुजा, हमको ना दिलीप जी का अपमान इस तरह से नहीं करना चाहिए था। वाह भाभी, आपको अपमान नजर आ रहा है, लेकिन हम तब से ये बात पूछ रहे हैं कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो कोई जवाब नहीं दे रहा है हमें। मम्मी जी, मेरे पास इसका एक हल है। मेरे पास 2 सोने के कंगन है, मैं उन्हें गिरवी रखवा दूंगी और उसी से हम इसका बिल चुका देंगे। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं करेंगे। तनुजा जी के इलाज के लिए आप पहले ही अपने आधे जेवर गिरवी रख चुके हैं। कोई बात नहीं पापा जी, वो तो हम सब... नहीं, हम कुछ साल पहले नैना भाभी को अपने जेवर दिए थे, उन्हीं को गिरवी रख लेंगे हम। ठीक है, सब मिलकर भोज की तैयारी करते हैं। सब मिलकर करेंगे तो अच्छी तरह से। हमारे घर की औरतें इतना अच्छा खाना रोज रोज कैसे बना लें? अरे पापा जी, आप लोग सब आलू को ऐसे काटिए, थोड़ा बारीक, इससे इसे पकाने में आसानी होगी। ठीक है, आरती। आप भाभी, मैं बस 5 मिनट में कॉल खत्म करके आती हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है। सारा परिवार एक साथ लगा हुआ है हमारे भैया के लिए।
श्रद्धा, हमने लौकी की सब्जी काट ली है, तो उसे बनाने की पहले तैयारी कर लो। आराम से। ये आरती अभी तक फोन पे बात करके आई नहीं। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, ये सोच रही थी कि इतना सब कुछ बस जल्दी हो जाए। आज तुम्हारी वजह से ना पूरा परिवार एक साथ होके काम कर रहा है। सब कुछ जल्दी नहीं, बहुत अच्छे से भी होगा। चलिए बुआ जी। श्रद्धा, सारा काम पूरा हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। श्रद्धा शुक्रिया, हमारी इच्छा का आदर करने के लिए। इस कठिन समय में तुमने पूरे परिवार को एक करके तुमने सारा काम पूरा कर दिया। हर दिली भैया को बहुत गर्व महसूस होगा तुम पर। बुआ जी, जो कुछ भी सीखा है आप बड़ों से ही तो सीखा है। परिवार की ताकत नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। बुआ जी चलिए, मंदिर में सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। माता रानी, आज हमारा परिवार फिर से एक हुआ है। ताऊ जी का जो सपना है कि इस परिवार की एकता हमेशा बनी रहे, वो कभी मत टूटने दीजिएगा। जी बच्चे ठीक है ना? आपको और मम्मी जी को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे? बेटा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तीनों बच्चे घर पर बिल्कुल ठीक है और यशवी जी उनका पूरा ध्यान रख रही है। जी आइए। अब अग्नि को आखिरी आहुति दें। अब पगड़ी की रस्म के लिए खड़े हो जाएं। इस रस्म के द्वारा पिता के सबसे ज्येष्ठ पुत्र के सिर पर यह पगड़ी रखें, घर परिवार की सारे जिम्मेदारी उसके सिर पर हो जाती है। पंडित जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि घर के मुखिया के जाने के बाद वो जिसे भी जिम्मेदारी दे पगड़ी उसके सर पे बंधेगी। जी हाँ, तो आप ना ये पगड़ी अभय और दीदू के सर पे बांध दीजिए, क्योंकि पापा जी ने ना जिम्मेदारी सारी उनके सर पे दी। कीर्ति, ये कोई समय है सब बातें करने का? हम तो बस पापा जी की आखिरी इच्छा के बारे में बता रहे हैं। अब उन्होंने वरुण जी को इस लायक ही नहीं समझा, पगड़ी तो इन दोनों के सर पे ही होनी चाहिए ना। कीर्ति, कम से कम आज पूजा वाले दिन तो ये तमाशा मत कर। जैसा कि पंडित जी ने कहा है, ताऊ जी के सबसे बड़े बेटे पर इस पगड़ी का हक है। श्रद्धा, दिलीप भैया ने बहुत सोच समझ कर तुम दोनों को जिम्मेदारी दी है। तुम भी जाओ अभय के साथ और वरुण को पगड़ी पहनाओ।
पापा ताऊ जी के लिए हमेशा कहते थे कि बड़ा भाई पिता सम्मान होता है। मैं दिल से तुझे वो सम्मान देने का मन कर रहा है भाई, तू मेरे पिता समान है। नैना भाभी की कैसे किस्मत हो गई है, पति भी गया और घर की जिम्मेदारी सगे बेटे से छीनकर निगरानी के बेटे को दे दी। वही तो बड़ा अजीब परिवार है, अपने सगे बहू बेटे पर भरोसा नहीं किया। भरोसा ही तो इस परिवार की ताकत है काकी, और अब से इस परिवार की मुखिया ताई जी हैं। इनकी कही हुई हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है और उनके लिए ये आदर पूरे परिवार का है। अभी पूरा परिवार आपके साथ है, अब कभी भी खुद को अकेला महसूस मत कीजिएगा, और खास तौर पे हमारे रहते हुए। नैना भाभी, जो हमने आपको जेवर दिए थे रखने के लिए वो आज ही गिरवी रखने पड़ेंगे खर्चों के लिए। लाते हैं। वाह, पहले आपकी बहू तेरवी के नाम पे इतने पैसे खर्च करती है और फिर आप आ जाती है वसूली करने। तुम भी कुछ कम नहीं हो कीर्ति रानी, ऐसी खर्चीली बहू हो जो हिसाब का ताना मारने में सबसे आगे है। और कीर्ति, हमने अपने जेवर गिरवी रखे हैं, तुम्हारे या नैना भाभी के नहीं। बड़ा बोल रही है। ये लीजिए। हाँ। भाभी, इसमें तो दो कंगन थे, अब तो सिर्फ एक है। अनुजा, आपने जैसे हमें जेवर दिए थे हमने वैसे के वैसे ही रखे थे, हमें नहीं पता आपका कंगन कहाँ है। क्या मतलब है आपको पता नहीं है? हमने आपको सोना दिया था अपना रखने के लिए भरोसा करके। तो क्या कहना चाह रही हैं आप कि मम्मी जी ने चोरी कर ली? क्या हो गया मम्मी जी? श्रद्धा, हम भाभी को बस कह रहे हैं कि दो कंगन में एक कंगन नहीं दिख रहा है, पर वो मान ही नहीं रही है। ये माँ पे इल्जाम लगा रही है कि माँ ने इनके कंगन चोरी कर लिए। कीर्ति, शांत हो जा, कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। हे भगवान, ये हमारी माँ के आखिरी निशानी थी, पता नहीं भाभी ने क्या कर दिया। तनुजा, हमने आपके कंगन नहीं लिए। मम्मी जी, आप प्लीज ऐसे मत रोइए, आपके कंगन कहीं नहीं गए होंगे, घर में ही होंगे, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। हे भगवान, जब देखो इन्हें तमाशा ही करना होता है। ये देखो, इन्हें ऐसे सुना रही है जैसे कि हम सब चोर हैं, हम सब पे चोरी का इल्जाम लगा रही है ये। पता नहीं गलती हमारी है या ये घर ही मनहूस है हमारे लिए। जब देखो कुछ ना कुछ मुसीबत आती रहती है इस घर में। अब कीर्ति, तू थोड़ी देर चुप कर जाएगी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं और ये आपकी सास वो क्या कर रही है, हर बात पे तमाशा करती रहती है। हमारे हक का ज्यादा पैसा आपको क्या मिल गया, ये तो क्या ही समझने लगी अपने आप को। बस मौका चाहिए। कीर्ति, बस कीर्ति चुप हो जा, वरना क्या क्या करेंगी आप? हाँ, जब देखो हम पे रुबाब जमाती रहती, और ये जब से हमारे जायदाद का ज्यादा हिस्सा आप लोगों को मिल गया है,
ये तो अपने आप को राजरानी समझने लगी। कीर्ति, खुद कलेश करने में दो कदम नहीं चार कदम आगे रहती हो। अरे इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? तुम और राज अबे! हिम्मत कैसे हुई तेरी कीर्ति से ऐसे बात करने की? वो भाभी है तेरी, वो चाहे कुछ भी करे तुझे कोई हक नहीं बनता है उससे इस तरह बदतमीजी से बात करने का। मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते। अबे ये क्या किया तुमने? बुआ जी आप मुझे क्यों बोल रही हैं? इन दोनों को बोलिए ना, इसने मम्मी के साथ बदतमीजी की और ये उसे रोकने के बजाय उल्टा मुझ पे हाथ उठा रहा है। चाची ने मेरी मम्मी को जोर बोला, ये दिखाई नहीं दे रहा तुझे? वैसे कीर्ति ने क्या गलत बात करी? हाँ मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और तू कब से अपनी बीवी का इतना सगा हो गया? हाँ भूल गया उसकी हरकतें? भूल गया राज? अबे दबान संभाल के बात कर वरना। बस कीजिए आप दोनों प्लीज, छोड़िए क्या कर रहे हैं, छोड़िए। दीदू आज आप बीच में नहीं आएंगी। ये क्या कह रही है तू कीर्ति? तू झगड़ा खत्म कराने की जगह तू उसे और बढ़ा रही है। अबे चल चल, पागल हो गया क्या? तेरा बड़ा भाई है वो। अरे भाई साहब ये संस्कार ही है जो आज की पीढ़ी में हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कीर्ति जो मम्मी के साथ ऊंची आवाज में बात कर रही थी वो आपके लिए अच्छे संस्कार है ताई जी। तो क्या करती, चुपचाप सुनती रहती कि कैसे चाची जी हम पे इल्जाम लगाई जा रही है? कीर्ति चुप कर जा प्लीज। अरे जब से ये कीर्ति गज भर लंबी जुबान लेके इस घर में आई है तब से हर लड़ाई का कारण यही है। मस्त अनुजा, आप हमारी बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। वाह भाभी, अब तक तो आप ही अपनी बहू के खिलाफ बोल रही थी, तो अब क्या हो गया? मम्मी जी बस कीजिए ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। मम्मी को क्यों रोक रही हो जब गलती इन लोगों की है? अभी कुछ देर पहले तूने अपने बड़े भाई को पिता का सम्मान दिया है, पिता से ऐसी बात करता है क्या? माफी मांगो। एक मिनट, अभय का है माफी मांगेगा? आप चुप करिए। हाँ, एक तो चोरी उसके ऊपर से सीना चोरी और माफी हम ही मांगे। तनुजा आपने आपने कहा कि हमने चोरी की है? नहीं ताई जी, मम्मी जी का वो मतलब ही नहीं। चुप रहिए श्रद्धा, आप बीच में मत बोलिए। आज आपके मन में जो भी है ना बोल दीजिए। भाभी हम क्या गलत बोल रहे हैं? आप जानबूझ के जेवर पता नहीं कहाँ रख दिए और हमें दे नहीं रही हैं, तो हम और क्या समझे? बस कीजिए तनुजा, आपने तो सारी हदें ही पार कर। माता रानी ने हमें इतना दिया है कि कभी आपके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। चोरी करना तो दूर की बात है। हाँ, अगर चोरी नहीं करते तो आप और आपकी बहू हमें इतना कुछ नहीं सुनाते। कीर्ति प्लीज इस झगड़े को खत्म करने में मेरी मदद कर। बड़ा अगर आपकी आंखों में इतना खटक रहा है ना दीदू, तो अपनी सास को बोलिए चुप रहने, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी हमने नहीं। अरे बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए, हम लोग को शर्म नहीं आती एक दूसरे पे ऐसे चिल्लाते हुए। कम से कम आज के दिन तो झगड़ा मत कीजिए, आज दिलीप भैया की देर भी है। और आप जब नैना भाभी बोल रही है कि उनकी अलमारी में वो कंगन नहीं है, तो आप अपनी अलमारी में क्यों नहीं देखती? ठीक है तो आप लोग चलिए और देखिए कि सच कौन बोल रहा है, खुद आइए और देख लीजिए। आइए हमारे साथ। ये देखिए आप, दिख रही है आपको वो कंगन? नहीं ना, ये भी दिखाते हैं, ये देखिए हैं, दिख रहे हैं आपको हमारे माँ की कंगन? नहीं दिख रहा है ना? मम्मी वो उधर कोने में देखिए, वहां पर कुछ तो है। We'll be right back.
तनुजा, यही है ना वो कंगन जिसकी चोरी का इल्जाम आप हम पे लगा रही थी? मिल गई आपको शांति? सबको ना बस हमारी गलती दिखती, पर चाची जी जानबूझकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा। नहीं कीर्ति, मम्मी जी ने ये जानबूझकर नहीं किया, छोटी सी गलतफहमी हो गई है ये। गलतफहमी अगर होती ना दीदू, तो माँ को ये चोर नहीं कहती। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप इस घर की बड़ी है ना, आप प्लीज हमें अपना समझकर माफ कर दीजिए। श्रद्धा, तुम हमारी तरफ से माफी काहे मांग रही हो? बस तनुजा, अब हम आपसे और कुछ नहीं सुनना चाहते। ताई जी प्लीज, प्लीज ताई जी बात को यही शांति से खत्म करते हैं ना। आज आपने और आपके बेटे ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है, राय का पहाड़ बना दिया आपने, और अभी तक माफी किसी ने नहीं मांगी। अरे हम तो क्यों हो रहा है ये सब? मैं इस परिवार को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती, इस परिवार में दरार पड़ते हुए नहीं देख सकती। दरार तो आ चुकी है माँ, और ये उन लोगों की बनाई हुई है जो हर रोज हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम पे हजार इल्जाम लगाते हैं। और वरुण जी, आप तो इस घर के बड़े बेटे, फिर भी सारी जिम्मेदारी छोटे बेटे को दे दी गई। उस घर में जहां हमारी इज्जत नहीं है, हम कैसे रहें? थक चुके हैं, जब से दिलीप जी गए थक चुके हैं, अब ना कुछ कह सकते हैं, ना ही कुछ करने की क्षमता है अब हम में। सुन, संभालिए अपने आप को। नहीं माँ, हम हार नहीं मान सकते, बहुत हो गया। श्रद्धा, क्या हुआ? इसे तोड़िए और अब इसे तोड़कर दिखाइए। श्रद्धा, आज तुमने हमें हमारी अम्मा की याद दिला दी। वो कहा करती थी कि जब रिश्ता अकेला हो तो टूट जाता है, लेकिन जब पूरा परिवार एक साथ हो तो उसकी मजबूती पर किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन हमारा घर टूट रहा है बुआ जी, रोज रोज हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ते रहते हैं, और वो भी आज ताऊ जी के 13वें वाले दिन भी। ताऊ जी नहीं कहा था ना कि उनके जाने के बाद हम सब उनकी अच्छी यादें, खुशियों भरे पल याद करें, पर आज हमारे बीच बंटवारा होता जा रहा है। मम्मी जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर आप ही ने मुझे बताया था ना कि ताई जी ने हर सुख में दुख में आपका साथ दिया है। जब आप बीमार थी तो ताई जी ने अपनी नींद भुलाकर आपके सर पे पट्टी रखी थी, दिन रात आपकी सेवा की थी, आपके पैर तक दबाए थे। जब घर का कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उस दुख में पूरा परिवार एक साथ होता है, मगर हम
हम तो बस टूटते चले जा रहे हैं। ताऊ जी ने बहुत भरोसा करके हम पे ये जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आज आज हमने उनके इस भरोसे का अपमान कर दिया। तुम ये गाड़ी में रखो, मैं आके सामान लेके आता। भाई मैं छोटे भाई को माफ कर दे यार, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। तूने मुझे मारा, बहुत सही किया, पर मुझे माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई। ताई जी आप लोग कहीं जा रहे हैं? रोज रोज के तमाशों से हम थक चुके हैं, थोड़ी देर दूर रहकर मन को शांत करना चाहते, कल तक लौट आएंगे। ताई जी चलिए वरुण, रास्ते से हमें कियारा को भी लेके जाना है। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे वो? पता नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं, बस यही बोल रहे थे कि आज के लिए कहीं जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। चलिए जी। श्रद्धा रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, आज जो हुआ उसके बाद हम और नहीं सुन सकते। ताई जी मैं आपको रोकने नहीं आई हूं, आपने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है, कुछ दिन बाहर रहने से माहौल बदलेगा, हवा पानी के बदलने से हमको भी अच्छा लगता है। मैं आपको नहीं रोकूंगी ताई जी। श्रद्धा ये क्या किया तुमने? अभी तो तुम परिवार जोड़ने की बात कर रही थी और अभी तुमने उन्हें जाने दिया, वो भी बिना कुछ सुलझाए। क्योंकि यही सही मौका है हमारे लिए सोनिया। श्रद्धा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बुआ जी अब वक्त सिर्फ मुश्किल सुलझाने का नहीं बल्कि पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का है। जब वो यहाँ वापस लौटे तो उन्हें ऐसा स्वागत मिले कि वो पुरानी सारी कड़वाहट भूल जाए, हम उनके घर के दहलीज को बिल्कुल गृह प्रवेश की तरह सजाएंगे, बिल्कुल जबरदस्त स्वागत करेंगे उनका और पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाएंगे। श्रद्धा इससे तो नैना भाभी बहुत खुश हो जाएगी। बुआ जी नैना कीर्ति की पसंदीदा कपकेक्स बना रही, इसे देखते ही वो अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। और हम नैना भाभी के लिए उनका मनपसंद खीर बनाएंगे। क्योंकि भाभी के लिए असली खीर वही है जो काजू और बादाम से भरी हो और खास हमारे हाथ की हो।
अच्छा बुआ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, आज आप कुछ और बना लेंगी, क्योंकि ताई जी की वो मनपसंद पनीर मसाला ना मैं बना रही हूँ। वाह, मतलब सास बहू ने मिलकर ना आज हमें पीछे छोड़ दिया। हाँ ऋतु, आप ना एक काम करिए, आप बस कचरिए, क्योंकि आप तो वही सबसे अच्छा करती हैं। भाभी श्रद्धा, आप यहाँ बैठो। अभय, अभी टाइम कहाँ है, बाहर भी कितनी सारी सजावट करनी है हमें। बैठो। अब ठीक लग रहा है? थैंक यू। किस लिए? वरुण जी से माफी मांगने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए। बस अबे, सब जल्दी से ठीक हो जाए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। तुम्हारा आइडिया ना मुझे लगता है जरूर काम करेगा। तो तुम देखना, ताई जी और भाई दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। बस तुम अपनी बहन को संभाल लेना, उसका दिमाग इधर उधर बहुत भागता है। अब क्या गलत काम वो है ही ऐसी वो। अच्छा ठीक है अभय, अभी हमारे पास बहुत सारा काम है, चलिए। अरे बैठो, थोड़ी देर और बैठो। अभय, हमें ना बहुत सारी तैयारियां करनी है और वक्त बहुत कम है। आप एक काम कीजिए, आप ना बाहर की सारी तैयारियां देख लीजिए, मैं बाकी सब देख लेती हूँ। चलिए अभय। माता रानी, एक बार फिर से हमारा यह त्रिपाठी परिवार पहले की तरह एक हो जाए। मम्मी जी, आप देखिएगा, कीर्ति मेरे हाथ का मफिन बना हुआ देखेगी ना तो अपना सारा गुस्सा यूं भूल जाएगी। अरे हमने पहले से ही खीर बना के टेबल पे सजा दिया ताकि नैना भाभी अपने पसंद का मीठा खाकर सारी कड़वाहट भूल जाए। हाँ मैंने तो भाई और मेरे लिए कल के क्रिकेट मैच की पासेस भी ले ली हैं, हम तो अलग से मजे करेंगे। हाँ भाई, मुद्दत हो गई तुम दोनों के एक साथ क्रिकेट मैच देखे हुए। दादू, मैंने कियारा दी के लिए नया डॉल हाउस लिया है और बहुत सारे गिफ्ट भी सजाए हैं। अरे वाह, कियारा दी को पसंद आएगा ना? बिल्कुल पसंद आएगा, आप दोनों ने इतने प्यार से सजाया कियारा के लिए, और वैसे भी खेलना तो आप तीनों को ही है ना। हाँ, और आज आप तीनों जी भर के खेलना, और पढ़ाई से छुटकारा तो आपको सबकी सोने आंची दिलवाएगी। चलो चलो, सारी पुरानी बातों को भुलाकर अब एक नई शुरुआत करते हैं। हम सबको पहले से बता दे रहे हैं, हाँ अगर अब किसी ने झगड़ा किया ना तो उसके मुंह पर टेप चिपका देंगे। सही कह रहे थे, बस ये लोग आ कब रहे, कुछ बताया उन्होंने? पापा ऐसा कुछ तो बताया नहीं है, पर हाँ मैं एक बार भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ, भाई फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं एक काम करती हूँ, कीर्ति को फोन करती हूँ। कीर्ति भी फोन नहीं उठा रही है, क्या हो गया है सबको? अरे आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे? फोन कहीं शायद इधर उधर रख दिया होगा, या पर्स में होगा या पॉकेट में होगा। आ जाएंगे।
अरे वाह, कितनी अच्छी सजावट की है आप लोग सब। मुझे नहीं पता था कि घर के नई मालकिन के लिए यानी कि मेरे लिए आप लोग ऐसा करेंगे।